आप अगर एक बार इस रेमेडी को अपने चेहरे पे यूज कर लेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप फेस वॉश साबुन लगाना छोड़ देंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ओपन पोल्स के लिए बहुत ही बेहतरीन सा रेमेडी लेके आई हूँ। आपको इसको बना के फ्रिज में रख देना है और अपने चेहरे पे यूज करना है। और आप लोग का एक कमेंट हमेशा आता है, जबकि मैं सच बताऊँ तो हर वीडियो में बिल्कुल डिटेल से हर चीज़ें आप लोग को समझाती हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों से छूट ही जाता है। आप लोग का क्वेश्चन वो बन ही जाता है। तो एक क्वेश्चन जो हमेशा रहता है कि दी इस चीज़ का मतलब जो भी मैं बताती हूँ आइस क्यूब बनाने के लिए, वो आप लोग बोलते हैं कि बनता ही नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आता कि क्यों नहीं आप लोगों से बनता है। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि आप लोगों के मैंने जितने भी आइस क्यूब बनाने के लिए बताए, चाहे वो बेसन का हो, बादाम का हो, किसी भी चीज़ का मैंने जो बताया है, मैं हर चीज़ का वो आप लोगों के साथ बना के उसका आइस क्यूब बना के और अपने चेहरे पर अप्लाई करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बेसन और दूध से जो मैंने बताया था आपको आइस क्यूब बनाना, वो आपके फेस वॉश की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। आप इसको आप मॉर्निंग के टाइम पे यूज करेंगे, जो बेसन और दूध से इसको बनाना कैसे है, चलिए आज के वीडियो में आपको यही दिखाऊंगी कि आपको इसको बना के कैसे बनाना है, कैसे इसको यूज करना है। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो और उसके बाद वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, न्यू आ रहे चैनल पर सब्सक्राइब किए बिना कहीं ना जाए। तो चलिए आप देखिए कि इसको बनाना कैसे है और आपको लगाना कैसे है। और एक बात मैं आप लोगों से और बोल देती हूँ, मैंने ओपन पोल्स का एक प्लेलिस्ट बना लिया है, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उस ढूंढने में। हर टाइप का वीडियो उसी प्लेलिस्ट में ओपन पोर्स का, तो इसलिए आप लोग उस मैं उसको लिंक दे देती हूँ हर वीडियोस के आईज बटन में। आप लोग आई बटन में जाके जरूर देख लिया कर। मैं एंड स्क्रीन में भी लगा देती हूँ कि आप लोग को ढूंढने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए आप लोग बिना टेंशन का उस रेमेडी को, सारे रेमेडी को मैंने फेस वॉश स्क्रब हर चीज़ शेयर कर दिया है ओपन पोस्ट वालों के लिए, खास करके लिए, इसलिए आप लोग ज़रूर देखें। तो चलिए आप लोग ये देखें कि आपको कैसे बनाना है और कैसे उसको यूज करना है। इसको बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है कच्चा दूध और बेसन, हाफ को 2 टेबल स्पून बेसन होगा और ये हाफ हाफ कटोरी दोनों। उसके बाद बिल्कुल अच्छे से उसको मेल्ट करना है, बिल्कुल लम्प्स नहीं होना चाहिए जैसे आप देख रहे हैं। उसके बाद एक आइस ट्रे लेंगे, उसमें बिल्कुल आइस की तरह इसको जमा देंगे आप। उसके बाद इसमें आप अगर चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग है तो आप विटामिन ई का कैप्सूल भी मिक्स कर सकते हैं, एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ी सी गुलाब जल यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरा स्किन बिल्कुल क्लीन है। उसके बाद इसका आइस क्यूब बना लेना है। देखिए कितना सिंपल है, आप लोग बोलते हैं कि बनता ही नहीं है, देखिए कितना बेहतरीन सा आइस क्यूब बना है। देखिए मैं आप लोग को पहले दिखा दे रही हूँ, उसके बाद देखिए जब उसके बाद आपको नीचे की तरफ से इसको यूज करना है। देखिए मैं ऊपर आपको जो जम जाएगा वो आइस जैसा रहेगा और नीचे से आपको उसको यूज करना स्टार्ट करना है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपकी स्किन इतना ज़्यादा स्मूथ और साफ हो जाएगी ना। साबुन तो आप, मेरी गारंटी है कि अगर आप इसको यूज करना शुरू कर देंगे ना तो साबुन तो आप भूल ही जाएंगे और फेस वॉश बिल्कुल स्किन को क्लीन कर देगा। क्योंकि पता ही है आप लोगों के बेसन में कितनी अच्छी स्किन को क्लीनिंग करने की प्रॉपर्टीज होती है। अगर आपको ओपन पोल्स की प्रॉब्लम है ना तो ये आप यूज करना शुरू कर दें, नहीं भी है ना फिर भी आप यूज करना करें किसी भी टाइप के लिए, ये बहुत ही बेहतरीन सा आप इसको। इसमें मैंने कोई साबुन का बेस नहीं डाला है, कुछ नहीं डाला है, लेकिन ये ऐसे आप एक क्यूब में आप एक दिन आराम से आपका एक बार चेहरा साफ हो जाएगा। तो आप दिन भर में अगर 3 बार भी करते हैं ना तो पोल्स का तो नामो निशान नहीं रहेगा आपके चेहरे पे। उसके बाद इसको अच्छी तरह से थोड़ी मसाज भी कर लेंगे और तुरंत नहीं धोए, अगर चाहे अगर आपको टाइम नहीं है तो आप तुरंत भी धो सकते हैं, लेकिन आप अगर 5 मिनट छोड़ देना चेहरे पर, 5 से 10 मिनट, उसके बाद जो आपके चेहरे पे ये असर करेगा ना, आप मुझे कमेंट करने के लिए मजबूर हो जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें ज़रूर, चाहे आप लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं।